हेलो स्टूडेंट्स। तो यार अभी आयसर के पोर्टल पे एक प्रॉब्लम चल रही है 2 दिन से, एटलीस्ट कल से जैसे ही ये अलॉटमेंट आया है एसएपी चैनल का। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हमारी रैंक जो है 100 रैंक पीछे, यानी कि कट ऑफ हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और हमें कोई सीट अलॉटमेंट आया नहीं है। तो जस्ट फिर उन बच्चों ने जैसे ही वो रिफ्रेश करते हैं अपने पोर्टल को 2-3 बार, तो उनको सीट अलॉट हो जाती है, बेरमपुर उनको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है। बहुत सारे बच्चों को जैसे ही वो क्लिक करते हैं आयसर के पोर्टल पे तो डायरेक्टली उनको कोई सीट अलॉट नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाता है कि पे कीजिए, 35,000 OTP चला जाता है अपने मोबाइल नंबर पे। तो पोर्टल बिल्कुल ठीक से वर्क नहीं कर रहा है पिछले 2 दिन से, यानी कि कल से जैसे ही SCB का अलॉटमेंट आया है। और वैसे भी पोर्टल पे एटलीस्ट प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया हमारी कट ऑफ क्लियर हो गया है, कट ऑफ से 100 आगे हैं, हम पीछे हैं, वैसे हमारा एडमिशन मार्क्स है, हमारा एडमिशन होना चाहिए, हुआ नहीं है, जैसे रैंक अपडेट हुई है उस हिसाब से तो होना चाहिए। जैसे ही बच्चे वहाँ पे रिप्रेस करते हैं उनको सीट दिखता है। ओके, तो इन सब के सॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी गई, यानी कि इक्वायरीज डाली बच्चों ने, ईमेल भी डाले आयसर को। तो आप देख सकते हैं पोर्टल अभी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, और बहुत सारे बच्चे जिनको अलॉटमेंट नहीं आया है, और जो तो यार अपने पोर्टल को जैसे ये ठीक होता है अब जिसको चेक जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे देख सकते हो यार ये जस्ट अपन जो इग्नोर टू विंडो के अंदर भी चलते हैं तो वहां पे भी देख सकते हो। ओके, तो जैसे अपन चलते हैं लिंक टू व्यू था ये जो राउंड है। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे लाइक आयसर ने कहा है कि सर्वर जो जो भी वेबसाइट का जो फॉर्म है, ओके, तो ये मेंटेनेंस है, अंडर मेंटेनेंस है, कुछ इश्यू चल रहा है इसके अंदर। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगा कि यार फीस वगैरह कैसे पे करें। आज आई थिंक वैसे 14 हो चुकी है। ओके, और ये 13 तक ही था वैसे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ इश्यू हो, अगर ऐसा कोई होता है डेट तो आई थिंक डेट एक्सटेंड कर दिया जाएगा पेमेंट का। तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, वो जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है वो जो भी इनका हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, तो उस पे मेल डाल दे। ठीक है, क्योंकि जस्ट अगर आप मेल नहीं डालते हो तो कोई मतलब कुछ नहीं होता उसका। ठीक है, जितनी ज्यादा इनके पास क्वारी जाएगी तब ही जाके ये कोई एक्शन लेते हैं, वरना अगर ये लोग भी देख लेना तो भी ये अपने आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो जितने भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है वो मेल जरूर डालें आयसर के हेल्पलाइन नंबर पे, मेल कर दें और स्क्रीनशॉट भी उनको ये शेयर कर दें कि ये प्रॉब्लम आ रही है। भैया आपने कहा था 13 नवंबर ये जो 3 बजे तक का, लेकिन अभी तक आज 14 तारीख हो चुकी है, 4 बजे हुए हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे 4:14 हो चुके हैं। तो अभी तक ये कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया गया है। ठीक है, तो इससे जिससे कि आपका हो सके कुछ, ओके, डेट एक्सटेंड किया जाएगा आई थिंक। ओके, कल से बहुत सारे बच्चों की क्वारी जा रही है मेरे पास, व्हाट्सएप भी आ रहा है कि भैया पेमेंट नहीं हो पा रहा है पोर्टल पे, हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी चेक नहीं कर पा रहे। और जिन बच्चों ने अपना अलॉटमेंट भी चेक नहीं किया, पता नहीं उनको मतलब अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि भैया हमने देखा भी नहीं है, ओके, तो पोर्टल पे ओपन ही नहीं हुआ। तो यार इस कंडीशन के अंदर आप जो हेल्पलाइन नंबर है, सॉरी जो हेल्पलाइन ईमेल आईडी दिया गया है उस पर अपना ईमेल डाल दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी डाल दो, जिससे कि जो भी आपका 15 तारीख लास्ट डेट है तो उसको एटलीस्ट 16-17 जो भी आयसर की फैकल्टी डिसाइड करे तो एक्सटेंड जरूर किया जाएगा, और जरूर करना भी चाहिए इस कंडीशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ओके, थैंक यू।